जिनमें रमेश लोढ़ी जी का नाम और भी दो तीन बंदों का नाम था, तो मुझे इतना पता था कि नेताजी को टिकट मिलेगा, बट टिकट नहीं मिलने का कारण मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ पैसे लेके ये चीज किया होगा। सर ये तो बहुत दुख की कहानी है, जो हमारे श्री रमेश भदौड़ी जी को जो मतलब टिकट नहीं मिला, और ये जो नेता जो भी आए हैं इनका तो हमने नाम कभी सुना भी नहीं, और इनके बारे में तो हमने खाली ये सुना है कभी ये झाड़ू छाप के चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज है। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा गया है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद रमेश भदौड़ी का टिकट काटा गया है और उनकी जगह पर बीजेपी के विधायक व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी को मौका दिया गया है। लेकिन जो टिकट काटा गया है उसको लेकर नाराजगी देखा जा रहा है, धरातल पर जो मौजूदा सांसद के समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, उनको काटा गया है तो इसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। और आज रविवार को पूरे दिन ट्विटर पर इसको ट्रेंड भी कराया गया, बीजेपी मिस्टेक्स रामवीर भदौड़ी करके जो है ट्रेंड ट्विटर पर चलाया गया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया गया और काफ़ी पूरे दिन ट्रेंड किया है। तो कुछ लोग इसको लेकर के हैं, उनसे हम बात करेंगे, जो समर्थक हैं जो रमेश भदौड़ी के उनसे हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि लोगों में आखिर क्या नाराजगी है जो इन चीज़ों को लेकर के। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण विश्वास है। करण जी, जो आज टिकट मौजूदा जो सांसद हैं रमेश भदौड़ी का टिकट कटा है उसके बाद ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या दिक्कत हुई है जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए सर, सबसे पहले मुझे तो पता ही नहीं था कि नेताजी को टिकट नहीं मिला, यानी रमेश भदौड़ी जी को टिकट नहीं मिला, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि कोई रामवीर जी भदौड़ी है उनको टिकट मिला है, जिन्हें मैं जानता भी नहीं, क्योंकि अभी जहाँ तक हमारी कॉलोनी की बात है, मुझे जहाँ तक पता है बीजेपी से हमारे यहाँ पे रमेश जी है, जो कि हर मतलब हर जो भी काम होता है यहाँ पे हर जगह वो आते हैं, चाहे वो छोटा काम हो बड़े काम हो हर चीज़ में आते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से मुझे ये लगता था कि रमेश भदौड़ी जी को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ देखा था, वहाँ पे भी कुछ नाम आए थे जिनमें रमेश भदौड़ी जी का नाम और भी दो तीन बंदों का नाम था, तो मुझे इतना पता था कि नेताजी को टिकट मिलेगा, बट टिकट नहीं मिलने का कारण मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ पैसे लेके ये चीज किया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्या लगता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है चुनाव में भाजपा को? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो न्याय से काम करे, अच्छाई से काम करे, जो अपना हार्ड वर्क करे, तो टिकट उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसको कि कहीं से भी उठ के कोई भी अगर आके वो टिकट ले जाए तो वो तो गलत है ना सर। जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको ना मिलके किसी और चीज़ को मिले, किसी और बंदे को मिले, तो सर कहीं ना कहीं उस चीज़ का तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या देखते हैं आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग तो यही है कि सबसे अच्छे नेता है अभी तक, मैं जब से यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, तो बचपन से मैं उनका नाम सुनते आ रहा हूँ, उनका काम भी देखते आ रहा हूँ कि क्या काम करते हैं, और काफ़ी एक जो नेता होना चाहिए किसी, अगर हम कॉलोनी की बात करें तो काफ़ी अच्छा नेता है और काफ़ी कहते हैं गरीबों की मदद करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से उनको टिकट मिलना चाहिए, ना कि रामवीर भदौड़ी जी को। किस काम से प्रभावित है रमेश भदौड़ी से जो आप पिछले दिनों में देखे? देखिए, जैसे इनके बहुत सारे काम है, जैसे इन्होंने पार्क वगैरह बनवाए हैं, सड़कों की सफाई से लेके बहुत सारे काम है, ऐसे अनेक काम है जो उन्होंने किए हैं। आप इनका फेसबुक हैंडल पे भी जाके देख सकते हैं इनका जो काम वगैरह है, इवन आप ट्विटर पे भी चेकआउट कर सकते हैं, तो काफी अच्छा उनका काम वाम है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम चंद्रजय विश्वास है। विश्वास, क्या कहोगे? हम तो लेकिन बहुत गलत हुआ कि हमारे नेताजी को टिकट नहीं मिली, कि हमने बचपन में छोटे छोटे देखा कि MLA के टाइम पे भी हमने नेताजी का नाम सुना है, कि हम MLA के टाइम से देखा कि नेताजी को, हम नेताजी ने इतने अच्छे काम किए हमारे लिए, कि किसी की बेटी की शादी हो रही है वहाँ तक आए, कन्यादान कराया हमारे नेताजी ने, कि हर दुख सुख में किसी गरीब की सहायता हो, तुरंत घर पौधे पर अपना कीमती टाइम दे के भी हमारा काम कर रहे हैं। तो मतलब टिकट कटने से बुरा लगा है? बुरा लगा है हमें। ये चीज है कि बोला, क्या कहना चाहेंगे? हमने सर गलत कराया, जो बीजेपी पार्टी वालों ने गलत कराया कि एक अच्छे दिग्गज नेता को टिकट नहीं दिया। क्या लगता है कि इसका जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? और जब इतने अच्छे दिवंग क्रम कार्ड जो ईमानदार नेताओं को टिकट नहीं दिए तो भुगतेंगे और क्या। इतने तक शुरू से साथ दिया बीजेपी का, MLA से MP तक साथ दिया बीजेपी का, इतना अच्छा नाम अपने वोटर से नाम कराया। मेरा नाम आकाश गुप्ता है। आकाश जी, क्या कहेंगे जो टिकट कटा है और ट्रेंड चला है?
बीजेपी मिस्टेक रामवीर भिदूरी करके ट्रेंड आज पूरे दिन चला है, इस पर क्या कहेंगे, क्या नाराजगी आप लोगों को, क्या कहेंगे? उनका नाम तो आपने कभी सुना ही नहीं सर, उन्होंने नेताजी है, उन्होंने ही हमारा हमेशा साथ दिया। जब कॉलोनी पे दुविधा आई थी, संकट आया था, तब वो बुलडोजर के आगे सामने वही खड़े हुए थे और शुरू से उन्होंने कोई भी फंक्शन हो, किसी का छोटा हो बड़ा हो, हमेशा वो साथ देते हैं। उनके कोठी पे आप उनके वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो काम बोलेंगे वो आपका काम सुनिश्चित करके एकदम पूरी तरीके से क्लियर करके देंगे। उन्हें ही टिकट मिलनी चाहिए थी, बस क्या रीज़न है अब ये भगवान ही जाने, इसके वजह से बस इसी बात का दुख है कि हमारे नेताजी को टिकट नहीं मिला। आप अपना नाम बताइए। शंकर है नाम सर मेरा। शंकर जी क्या कहेंगे, जो टिकट नहीं मिला है और ट्रेंड भी कर रहा है तो क्या कहेंगे? तो सर ये तो बहुत दुख की कहानी है, जो हमारे श्री रमेश भिदूरी जी को जो मतलब टिकट नहीं मिला, और ये जो नेता जो अभी आए हैं इनका तो हमने नाम कभी सुना भी नहीं, और इनके बारे में तो हमने खाली ये सुना है कभी ये झाड़ू छाप के चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, ये मतलब समझो ये बोलते हैं दल बदलू पार्टियाँ हैं। जो रमेश भिदूरी जी हैं, जो उन्होंने जो हमारे कॉलोनी के लिए जो ऐसा काम किया है जो कोई भी नेता आने वाले टाइम पे जो कोई भी MP नहीं कर सकता, बट उनके साथ बहुत गलत हुआ है सर ये, और टिकट उनको ही मिलना चाहिए। बस सर मैं यही चाहता हूँ। आप पहले बताइए, जो चुनाव होने वाला है तो जो टिकट कटा है तो जो दूसरे प्रत्याशी आए हैं तो क्या इसको खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा कि ये भी जीत जाएंगे भाजपा के नाम पे, जैसा लहर बताया? सर वो तो समय बताएगा सर, आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन आएगा जी, या तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा हमें, ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो हम समझो सब जनता के हाथ में, हमें किसे देना है किसे नहीं देना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जो श्री रमेश भिदूरी ने जो हमारे कॉलोनी के लिए और बाहर जैसे संगम बिहार हो गया या आपका बदरपुर हो गया, ऐसे से काम करे उन्होंने। अभी तो फिलहाल में भी एक पार्क बनाया इन्होंने, सबसे बड़ा पार्क बनाया, अभी उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने जी जान से बीजेपी की तरफ से उन्होंने जी जान से अपना काम किया। उन्होंने सोनू जी क्या कहेंगे, जो मैं ये कहना चाहता हूँ, शाम तक तो नाम ये आया था कि नेताजी का नाम आने वाला, हर जगह पोस्टर पर सब कुछ लग गया था, फिर एंड टाइम पे उनका टिकट से ही नाम हट गया बिल्कुल ही, और नेताजी की जो है उनकी फेस वैल्यू अलग ही है, पूरे साउथ दिल्ली में अलग ही नाम है उनका हर चीज़ में। काम भी इनका बहुत ही अच्छा काम था, कहीं से भी चल गया साउथ दिल्ली छतरपुर साइड से आगे हर जगह बिल्कुल अलग ही नाम है उनका, फेस वैल्यू एक इनकी फेस वैल्यू बोलती है अलग ही, और एक एंड टाइम पे उनका नाम हट गया, अभी तो पता नहीं किस तो आप लोगों को इससे नाराजगी है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका खमियाजा होगा वोट में? हो सकता है बिल्कुल ही होगा। और एंड टाइम पे मतलब कुछ भी छोटे से बड़े काम पे कभी कुछ भी वहाँ चले जाओ बिल्कुल नेता जाके खड़े होते थे, हर चीज छोटे से बड़ी चीज पे किसी को बिल्कुल साथ खड़े रहते थे। आप देख सकते हैं ये बीजेपी जो रमेश भिदूरी हैं, जो सांसद 10 साल रहे हैं, उसके पहले 3 बार वे तुगलकाबाद जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके वो विधायक रहे हैं, और उसके बाद 2014 से लेकर 2 बार लगातार वो दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। उनका टिकट जो है बीजेपी के द्वारा काटा गया है और उनकी जगह पर बीजेपी के मौजूदा विधायक जो बदरपुर से हैं और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको मौका दिया गया है और उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब रमेश भिदूरी का टिकट जब से काटा गया है तो ग्राउंड पर दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के इलाकों में जो रमेश भिदूरी के समर्थक हैं उनमें इसको लेकर के नाराजगी देखने को मिल रही है, विरोध भी देखा जा रहा है। वहीं रविवार को बीजेपी मिस्टेक्स रामवीर भिदूरी करके ट्रेंड भी चला है जो काफ़ी ट्रेंड में रहा है, और जो उनके समर्थक हैं उनमें काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है, लोग इस बात को लेकर के खपा हैं, दुखी हैं कि रमेश भिदूरी का टिकट नहीं कटना चाहिए, उनके अपने दावे हैं। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, उसमें इस जो नाराजगी देखी जा रही है इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है और क्या बीजेपी को इसका खमियाजा उठाना पड़ता है, या जो प्रत्याशी रामवीर सिंह भिदूरी बनाए गए हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।